इसमें जहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोग हैं जो रोष प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें ये लोग हैं जो बोल रहे हैं कि संविधान से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो बंद करें, ST ST और OBC में जो फूट डालने के जो काम कर रहे हैं वो बंद किया जाए। ST ST और OBC के यहाँ पे जो एकता का जिंदाबाद का जो नारा लगाते हुए लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आज जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था SC आरक्षण को लेकर, उसमें कहा गया था कि आरक्षण को डिवाइडेशन डालो, उसको लेकर दलित समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और उस फैसले का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोबारा उसमें रिव्यू पिटीशन डाली जाए, दोबारा उसमें रिव्यू पिटीशन डाल के उसमें संशोधन किए जाए, क्योंकि इस जाति के अंदर कोटा देने का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 341 और 342 में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ ये फैसला है और आज प्रदेश में देश में पूरा दलित समाज इकट्ठा होकर बड़े स्तर पे इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मांग करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट के अंदर जो फैसला पास किया है उसका कड़े शब्दों में चमार जाति के लोग, दलित समाज के लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो आरक्षण में वर्गीकरण का मामला है उसको बंद किया जाए और क्रिमिनल लागू किया गया है उसको भी बंद किया जाए। हमारा भाईचारा तोड़ने की कोशिश ना करो, अन्यथा 1 अक्टूबर को जो चुनाव होंगे तो बड़ी मात्रा में BJP के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर हालात इतने नाजुक हो जाएंगे कि पिछली बार तो 40 आ गई थी, इस बार 4 पे रहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमारी सरकार से, सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार से मांग है उन्हें इस फैसले पर विचार विमर्श करके दोबारा रिव्यू पिटीशन डालें, पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने का काम करें ताकि भविष्य में इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। उसके बारे में बहुजन समाज पार्टी पूरा रक्षा साथ है और जिस बहन मायावती जी ने रक्षा बारे समर्थन दिया है और जहाँ भी यहाँ सभी संस्थाएं जय वो रविदास सभा है, अम्बेडकर सभा है, सही यहाँ दलित समाज साथ है, बहुजन समाज साथ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ST ST वर्गीकरण किया है और जो क्रिमिनल लेके आए हैं, ये हमारे समाज को जो बाबा साहब ने ST और ST संविधान में दिया था ये असंवैधानिक है। जो DSC समाज बना रहे हैं ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, उसके विरोध में भाई ये जो हमारा जो SC समाज है, दबा कुचला समाज है, इनमें आपसी भाईचारा खराब ना करवाए, इनको आपस में मत लड़ाए, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरा देश उससे चलता है, ना कि ये किसी सरकार से चलता है। ये BJP सरकार या संघ की तरफ से ये प्लान करके समाज का वर्गीकरण का काम कर रहे हैं और जिसमें समाज में अपने उसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए आज पूरे भारत बंद का ऐलान था। उसी के समर्थन में आज SC समाज, ST समाज, OBC समाज ने संपूर्ण समर्थन करके भारत बंद का ऐलान किया और उसके लिए आज जुलूस जो आप देख रहे हो शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा है। जो आप जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में आपकी जो राय, आपके क्या मांग? अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, आरक्षण का जो क्रिमिनल है वो बंद करे और हमारे ये आरक्षण पे वो जो कर रहे हैं वो लागू करे, पूरक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। आपकी जो मांगनी है वो क्या मांगनी है? यही है क्रिमिनल खत्म करो, आरक्षण में जो उन्होंने संविधान में जो आरक्षण में बदलाव करे वो खत्म करो और हमारा जो आरक्षण पहले से उसे लागू करो। जो आपकी जो ये रोष प्रदर्शन कर रहे हो इसमें आपकी क्या मांगे है? मैडम इसमें हम यही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो कानून लागू करने जा रही बिक्री में लेयर बनाए जाए SC के अंदर, उसका हम विरोध करते हैं। हमारी किसी जाति से कोई विरोध भावना नहीं है, हम सभी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। सदियों से लेके आज तक हम जो समाज में असमानता और जो हमारे साथ अत्याचार होते हैं उनसे हम ऊपर उठने के लिए अगर हम एकता बनाने की कोशिश करते हैं तो जो BJP है वो अंग्रेजों की नीति पे चल रही है, फूट डालो और शासन करो। ये चाहती है कि वाल्मीकि और जो धानक समाज है जो और जो जाति है उनको आपस में लड़वाया जाए और उस पे क्या है हमारी वोट ले ही जाए। मगर मैं अपने सभी भाईचारों से ये कहना चाहूंगी कि आप आने वाले चुनाव में अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जो आपकी सरकार आपके लिए कार्य करे उसको मजबूत बनाए। धन्यवाद। तो प्रदर्शन कर रहे हैं इस पे आपकी क्या मांगे? हम तो यही चाहते हैं कि ये ST ST वाला जो उनका मुद्दा है तो ये हमारा आरक्षण हमें वापस मिले और इसके लिए वर्गीकरण बंद करें, ठीक है? हमारी भावनाओं से बिल्कुल भी ना खेलें। मोदी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, क्या देखते हैं अभी, अब करते हैं जो भी करेंगे, कुछ भी उन्होंने वो किया है। तो हमारी मांग तो यही रहेगी कि ये आरक्षण है ये बिल्कुल ही, जैसे मान लो हमारा है तो हमारा राइट है, ये हम इसको लेके ही मानेंगे। हमारी तो यही मांग है कि जो ये ST ST का जो हमारा ये मुद्दा है इसका वर्गीकरण बंद करे और क्रिमिनल को लागू होने से रोके और जो हमारा जो राइट है, अधिकार है, उसे हमसे ना छीने और हमारा आरक्षण खत्म करने की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसे वापस ले ले, जो अपना फैसला है जो अगला कदम देखो। आज हमने अपना ज्ञापन सौंपा है, देखते हैं क्या होता है।